जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग देश से भारतीय जनता पार्टी को मिलकर के हटाने का काम करेंगे। सर लोकसभा सचिवालय में निलंबित सांसदों को संसद सदस्य लॉबी से दीर्घायु से प्रवेश से रोक दिया है, क्या क्या कहेंगे? सीधा देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष आलोचना करने के लिए, सुझाव देने के लिए होता है ना। अब ये लोकतंत्र को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस तरह से। और देखिए, लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, दोनों को अपना अपना अधिकार भी होता है, अपनी बात करने का, आलोचना करने का, सुझाव देने का, अपनी बात पूरा रखने का, जनता की बात को रखने का। लोकसभा ही होती है ना, संसद पर हमलों को किस तरह तो बताइए, जब ये सबको निलंबित ही कर रहे हैं, जब सबको अरे जवाब तो ले लो, ताकि बात फिर दूसरा जवाब लेना। टाइम रखे तो अब तय करेंगे, तय इंडिया गठबंधन करेगा। अब हम अपने नेताओं से हमारी बात नहीं हो पाई है, रहे बच्चे जवाब तो जब बात हो जाएगी तब दे देंगे, लेकिन इतना है, ये लोकतंत्र को मानते नहीं भारतीय जनता पार्टी के, संविधान को मानते नहीं। अब बताइए, जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो अधूरी लोकसभा रहेगी। हम तो यहाँ तक मेरा तो सुझाव है, जितने लोगों को इन्होंने विपक्ष के लोग सारे के सारे इस्तीफा देने और इनसे मांग करें चुनाव कराओ, और चुनाव जब कराएंगे तो जनता इनको सबक सिखा देगी भारतीय जनता पार्टी। सर, मेरे एक आखिरी सवाल, सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि इंडियन गठबंधन एक फोटो सेशन है, और फोटो सेशन की चौथी बैठक भी हुई, समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? सर, देखिए, ये लोग जनता के हितैषी नहीं है, लोकतंत्र को मानने वाले नहीं है, संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये झूठे लोग हैं। बताओ, अब मंदिर कोर्ट के आदेश से बन रहा है, ये बनवा रहे, अगर इनकी जगह हमारी सरकार होती तो हम बनाते, दूसरों की सरकार होती वो बनाते हैं। सर, समाजवादी पार्टी को नौताया मंदिर दर्शन के लिए, से आपने भी मन से बोला जाएंगे, मैं परिवार के जाएंगे, नौताना जरूरी है कि मंदिर तो सबका ही होता है। सर, तो जाएंगे मंदिर तो जाएंगे, अगर वहाँ उस दिन नहीं देंगे, आगे चले जाएंगे, और आगे चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, मंदिर तो जाएंगे, मैं परिवार के जाएंगे। सर, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, संसद पर जिस तरह हमला हुआ, समाजवादी पार्टी का वही तो मांग कर रहे थे विपक्ष के लिए, वही तो मांग कर रहे थे, मांग कर, जब सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो बताओ देश कैसे सुरक्षित, पूछो सुरक्षित देश कैसे रहे। और फिर जवाब देना चाहिए था, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए था, अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो जवाब नहीं देंगे, सांसद जो मांग करेंगे उन्हें बाहर निकाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे। सर, इंडिया गठबंधन को अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कांग्रेस को आगे आना चाहिए हमेशा, सर आप कैसे देखते हैं? तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।